करने दो ना पहले। अरे भाई अब हो गया। फोटोग्राफर हटिए तो प्रिंट लेंगे सर। फोटोग्राफर हटिए प्रिंट लेंगे सर। प्लीज फोटोग्राफर हटिए। बैठिए ना आप लोग बैठिए। जिस चीज का हो गया बैठिए बेटा बैठो। आपको इस गठबंधन की सीट शेयरिंग की आपकी जानकारी आपके सामने होगी। हम पहले भी 30 साल बनाम 30 साल का नारा दिए हैं। ये 15-15 साल दो ठगों का नहीं, जंगल और माफिया राज का नहीं, ये प्रकाश अम्बेडकर साहब के सानिध्य और नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और बिहार बचाएंगे। समाज के तोड़ने का सबसे बड़ा बाधक हो, पूरा उत्तर प्रदेश का जो कमजोर तबका है उस पर हिंसा बढ़ी, दलितों पर सबसे ज्यादा जुल्म उत्तर प्रदेश में बढ़े और उसके बाद बिहार, जुमलों की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पहले दबंगों के द्वारा भाई की हत्या और फिर उस दबंगों के द्वारा मां के सामने मासूम बच्चियों को उठाकर दुनिया का सबसे बड़ा जघन्य अपराध और जुल्म का बेइंतहा, हम सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे इसमें सो मोटो नोटिस लिया जाए। सरकार पर कॉग्निजम लिया जाए, मानवाधिकार इंटरफेयर करे और इंटरनेशनल मानवाधिकार, उन दबंगों को सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। 2 करोड़ रुपया मुआवजा, परिवार को नौकरी, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल के साथ फांसी की सजा, पीडीए के तरफ से और हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब, जिनकी देश के निर्माण में हमेशा से सांप्रदायिकता के खिलाफ, हिंदुस्तान के 90% समाज निर्माण में जिनकी भूमिका, देश जब जब सांप्रदायिकता के कारण संकट में पड़ी, इनके विचारों का महत्व इनकी हर परिस्थितियों में देश ने महसूस किया, जरूरत महसूस की और आज बिहार महसूस कर रही है। मैंने कल भी कहा था कि पीडीए और हमारे नेताओं के द्वारा 2 लाख रुपया उस परिवार को उनके बैंक अकाउंट में, और आज जिस तरीके से हथरस जाने के क्रम में राहुल गांधी जी के कॉलर पर हाथ रखा गया, उसको धक्का मुक्की पुलिस के द्वारा की गई, जिस तरीके से लोकतंत्र के गले को घोटा जा रहा है, जरूरत है एक मजबूत आवाज की बिहार अम्बेडकर साहब। सामने जो हम बैठे हैं वो है मानवता, इंसानियत का पैगाम, सौहार्द का अमलदार, एक ऐसी ताकत बिहार से हिंदुस्तान को एक आवाज देने की मुहिम, हिंदुस्तान को बचाने की मुहिम। 7 सालों में जिस तरीके से हिंदुस्तान के किसानों की आत्मा पर चोट, हिंदुस्तान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका
मजदूर एक्ट को खत्म करने की उसकी जिंदगी पर चोट। तीसरी तरफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत 90% छोटे काश्तकार और व्यापारी, नोटबंदी और जीएसटी से उस पर चोट। और चौथी तरफ भारत के निर्माण में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है युवा, उसकी जिंदगी को समाप्त करने की, बेरोजगार करने की 14 करोड़। और पांचवी तरफ हिंदुस्तान के 90% वंचित समाज, कमजोर समाजों के एजुकेशन में बड़ा बदलाव, इतिहास को समाप्त करने की तैयारी कोरोना वायरस, और ऐसी ताकतों से बचाने के लिए पीडीए और हमारे आदरणीय नेता प्रकाश अंबेडकर साहब के सानिध्य में हम बिहार की 2020 की चुनाव, जहां एक तरफ खाई और गड्ढा, एक तरफ नागनाथ और सांपना, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों बिहार और बिहारियों के बारे में कभी सोचता नहीं। 2006 में एमएसपी के न्यूनतम मूल्यों पर चोट किया नीतीश ने, बिहार के युवाओं को मरने पर मजबूर किया नीतीश ने, जिस नीतीश के पास 15 साल के बाद कोई मुद्दा नहीं, सिवाय ऐश्वर्या, सिवाय रघुवंश बाबू, सिवाय सुशांत, सिवाय लास्ट पर राजनीति के, बस उनके पास मुद्दे एक ही कि हमारे सामने कोई नहीं। नीतीश बाबू, आपके सामने पूरे बिहार का यूथ है, बिहारी है। नीतीश बाबू, आपके सामने पूरे बिहार की असुरक्षित बेटी है, और सबसे ज्यादा जुल्म और हिंसा जो आज दहशत में, डर और अभाव में जी रही है वो दलित और वंचित समाज है, वह प्रवासी मजदूर है, और आपके सामने सबसे ज्यादा चिंतित वो लोग हैं जिसको आपने हाथों को खाली कर दिया। यह गठबंधन उम्मीद करता है कि पूरी सानिध्य प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व में ये पूरी गठबंधन बिहार के सभी वर्ग धर्म जाति को साथ लेकर, ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड, ना हिंदू ना मुसलमान, ना दलित ना पसमंदा ना गैर पसमंदा, दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी घटना। और एक महा अपराध बोध का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिसका मुखिया ही अपराध को जन्म देता हो, नफरत पैदा करता हो, समाज के तोड़ने का सबसे बड़ा बाधक हो। पूरा उत्तर प्रदेश का जो कमजोर तबका है उस पर हिंसा बढ़ी, दलितों पर सबसे ज्यादा जुल्म उत्तर प्रदेश में बढ़े, और उसके बाद बिहार। जुमलों की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पहले दबंगों के द्वारा भाई की हत्या, और फिर उस दबंगों के द्वारा मां के सामने मासूम बच्चियों को उठाकर दुनिया का सबसे बड़ा जघन्य अपराध। और जुर्म क्या बेइंतहा, हम सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे इसमें सो मोटो नोटिस लिया जाए।